आपके जो माथे में जो ये लगा हुआ है ये क्या है? ये तिलक। तिलक है? ये तिलक किस लिए लगाए हैं? हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं जगन्नाथपुरी। अच्छा जी, कैसा अनुभव रहा है वहाँ पर? बहुत अच्छा रहा है। और ऐसा हुआ है कि कोइंसिडेंटली इतने चमत्कार हम लोगों ने देख लिए कि हम लोगों का आना पॉसिबल नहीं था, बट जगन्नाथ जी की कृपा है कि सब काम एक के बाद एक होते गए और सब जुड़ता गया और हम यहाँ पे पहुँच गए। तो बहुत प्रभावित हैं और जगन्नाथ जी के पास जाने के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा, आप भी दर्शन करेंगे? आप भी दर्शन करेंगे? यस। बोलो हाँ जी। जय जगन्नाथ। हाँ जी। बोलो जोर से, बोलो जय जगन्नाथ। आपके जो माथे में जो ये लगा हुआ है ये क्या है? ये तिलक। तिलक है? ये तिलक किस लिए लगाए हैं? बोलो किस लिए लगाए हैं ये तिलक? बोलो हम बहुत प्यार करते हैं जगन्नाथ। निश्चित भाव रहे ये जो प्रतिक्रिया जी। कहाँ से आए? हम इस्कॉन मायापुर। अच्छा, मायापुर से। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे। और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है, माहौल बहुत सुंदर है और बहुत पवित्र है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। आपके बारे में बताइए, बताइए। आप दर्शन करेंगे? हाँ करेंगे। क्या क्या महाप्रभु के पास क्या जनाएंगे, क्या बताएंगे? क्या बताएंगे वहाँ? बोलेंगे जय जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ। ये देखुवे समस्त मन रे जो रही था उल्लास बा आनंद महाप्रभु पाखे लीन हाँ पाई माँ मध्य रही। माँ कौट आसते रायगढ़ कार्तिक कर ना नाई कार्तिक चली सबुदिन दर्शन हो सबुदिन हो जाऊ कौन कर भिड़ हम नहीं का गोटे दिन आसपारुन आबुदिन आस मस जगह आसिक रही चु करु घर नहीं कि सबुदिन आसिक दर्शन करुचु सका नी सन्ध्या बेले आसचु ना कौन कर ठाकुर डाक डाक जावा कथा ठाकुर डाक डाक जावा कथा मात्र सबुदिन दर्शन हो देखी गोटे दिन का बेस भिड़ आसपारुन डरिकी ना सबुदिन आसिक देखुचु ठाकुर मुझे फास्ट आस जग रही बोल कि ठाकुर को प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कार्तिक मासरे आसिकी बहुत भल लगुच्छे कि भिड़ तीन थर आसले कालिया दर्शन हो पारे कि भल मन खोलिक आशा कर भल भाव दर्शन हे बहुत भल लगे मैंने लगे कि सबकि पाइलु आम मानने आठ रू आम कि ना आया कि आशा नहीं।